नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि तीसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों के द्वारा शानदार गेंदबाजी की जा रही है, लेकिन इंग्लैंड के जॉनी बेस्टो के द्वारा शानदार बल्लेबाजी भी की गई है। जॉनी बेस्टो ने 119 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके और 2 छक्कों की सहायता से शतक की पारी खेली है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड की टीम ने पीछा करते हुए 48 ओवर खेल के 6 विकेट के नुकसान पर 227 रन बना लिए। अब भारतीय टीम के पास 179 रनों की बढ़त है। भारत की गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 6 ओवर करते हुए 40 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज ने 8 ओवर करते हुए 42 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। मोहम्मद शमी ने 18 ओवर करते हुए 63 रन देकर 1 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत गुमराह ने 16 ओवर करते हुए 66 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने एक बार फिर मैच में पकड़ बना ली है। अब भारतीय टीम को दूसरे सेशन में लगातार विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को 300 रनों से पहले रोकना होगा। भारतीय टीम कम से कम पहली पारी के आधार पर 100 रनों की बढ़त रखना चाहेगी।